महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। तो गाइस अभी देख सकते हैं आप लोग, हम खड़े हैं भोलेनाथ के मंदिर के सामने और ये जो जगह थे हम इस जगह पे रुके थे और हमारा साइकिल आगे खड़ा है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके हम निकल जाएंगे आगे की तरफ। तो हम आज का जो सफ़र है, हम हाईवे को क्रॉस करके धनबाद की तरफ हम जाएंगे। तो धनबाद तक पहुंचने का कोशिश करेंगे हम। धनबाद यहाँ से बोल रहा है कि 45 किलोमीटर है, तो हम 45 किलोमीटर को थोड़ा सा क्रॉस करके हम जाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं से शुरू करते हैं, चलो लेट्स गो। जय हो शंकरा, आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस। सो गाइस अभी देख सकते हैं सुबह का नाश्ता कचौरी से हो रहे हैं और साइकिल को मैंने आगे खड़ा किया और यहाँ पे बैठे। हम बैठने के बाद थोड़ा नाश्ता किए, नाश्ता करने के बाद चाय पियेंगे, फिर हम निकल जाएंगे। तो ये सुबह के चाय आ चुके हैं, थोड़ा सा पी लेते हैं हम चाय, फिर हम निकल जाते हैं। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं चिरकुंडा और चिरकुंडा से हम ये लेफ्ट साइड का रास्ते से हम चले जाएँगे। तो सामने को जी टी रोड मिलता है, तो जी टी रोड पर हम जाके मिलेंगे। आज का दिन तो गाइस बहुत ख़राब होने वाला है क्योंकि बारिश गिर रही है धीरे धीरे करके। तो गाइस हमें आगे का 5-6 किलोमीटर तक तकलीफ हो रहा था थोड़ा सा, तो जैसे हम हाईवे पकड़ लिया तो बिंदास चल रहा है अभी साइकिल। तो अभी रास्ता देख सकते एकदम नीट क्लीन, आगे का व्यू भी देख सकते थोड़ा बहुत। मौसम जो है आज गाइस बहुत बढ़िया है, साइकिल चलाने को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो आराम से आज साइकिल भगाते हुए जा रहे हैं हम। और हम कुछ दूर आ चुके हैं, आने के बाद सामने वाला पहाड़ भी आपको दिख रहा है क्या? मेरे को तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या मालूम नहीं। तो गाइस हमने तो उतार के पैदल जा रहे हैं अभी, ये चढ़ाई हमने देख सकते हो अभी कितनी बड़ी चढ़ाई किया है हम, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। भाई साहब गोविंदपुर को क्रॉस करते हुए हम जा रहे हैं अभी और ये जो है गोविंदपुर का आखिरी स्टॉप है, यही गोविंदपुर है। Sometimes it is disaster, sometimes we are free. Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just want. So guys अभी गोविंदपुर को क्रॉस करके अभी थोड़ा सा ये वाला ढाबे पे आके रुका है मैंने और अभी ये रोटी और सब्जी को ऑर्डर दिया है और साइकिल को वहाँ पे खड़ा किया है। आप देख सकते हैं खाने में अभी देख सकते हैं रोटी आया है और चने का तड़का आया है और ये चटनी है और ये आलू का फ्राई है। तो हम जल्दी से जल्दी खा लेते हैं, उसके बाद हम निकल जाते हैं। तो हम वहाँ पर खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किए थे 1.5 घंटा, फिर रुके थे। रुकने के बाद हम अभी 1:30 बज रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है, तो 1:30 बजे को हम निकल पड़े हैं साइकिल लेके। हमारा देख सकते हैं अभी साइकिल लेकर हम निकल पड़े और यहाँ का व्यू आप लोगों को दिखाते हैं कैसे नज़ारा है, थोड़ा सा देख लीजिए इस तरह का है थोड़ा सा। और अभी सूरज भी उठ गया है ऊपर, तो अभी निकलते हैं। तो गाइस नज़ारा कुछ ऐसा है, देख सकते जाएगा व्यू कैसा है भाई साहब। और अभी हम यहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं धनबाद की तरफ, तो हम देखते हैं धनबाद क्रॉस कर पाते हैं क्या नहीं। तो धनबाद और तकरीबन 20 किलोमीटर रहेगा, तो हम जाके आगे भी पूछेंगे थोड़ा सा। तो और 20 किलोमीटर तकरीबन, तो हम कोशिश करेंगे पहुंचने का, इसीलिए हम ज़्यादा रेस्ट नहीं किए, 1.5 घंटे ही रेस्ट किया, फिर हम निकलते हुए जा रहे हैं अभी। सो गाइस अभी देख सकते हैं धनबाद क्रॉस करके हम निकलते हुए जा रहे हैं अभी। सो गाइस जो यूट्यूब में टेक्निकल वीडियो बनाता है मनोज भाई का गाँव से निकलते हुए हम जा रहे हैं अभी, देख सकते हो अभी ये वाला हिस्सा हम पैदल से जा रहे हैं अभी, थोड़ा सा आराम भी मिलेगा। और ये जो ब्रिज बना हुआ है इस तरह साइड से उस साइड पर जाने के लिए ये ब्रिज बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ से और 10-15-20 किलोमीटर हम जाने का कोशिश करेंगे, तो चलिए चलते हैं और सफ़र को जारी रखते हैं। किलोमीटर तक आगे आने के बाद बहुत ही बारिश चल रहा था,
इसकी वजह से हम यहाँ पे रुक गए हैं। ये वाला जगह देख सकते हो, दुकान के सामने हम रुक चुके हैं और यहाँ पे हम खड़े खड़े देख रहे हैं, बारिश रुकने तक इंतज़ार कर रहे हैं। बारिश रुकने के बाद हम फिर से चल पड़ेंगे। सो गाइस, थोड़ा सा बारिश बंद होने के बाद हम आगे आए और आगे का बादल कैसे देख सकते हैं, काला काला हो रखा है पूरा। आगे वो साइड बारिश हो रहा है और इधर का व्यू देख सकते हैं आप कैसा है, और एकदम पहाड़ वहाड़ दिख रहा है, सब कुछ देख सकते, एकदम चकाचंद लग रही है ज़्यादा। तो गाइस, हम ये फल दुकान पर आए हैं नारियल पानी पीने के लिए। तो भैया ने मेरे को केला खिलाया और ये भैया ने मेरे को एप्पल खिलाया, तो एप्पल खा रहा हूँ मैं। भैया का नाम क्या भाई साहब? योगेश। योगेश, आपका नाम नहीं, जगह का नाम क्या है? जोड़ा पीपल। जोड़ा पीपल, आपका नाम? योगेश प्रसाद साहब। और आपका नाम भाई साहब? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार, तो ये दोनों भाई साहब से मिले हैं हम, बहुत अच्छे लगे। और इनका ये फल दुकान देख सकते हैं, छोटा मोटा एक फल दुकान है रोड के सामने, और यहाँ पे हम फल खा के अभी निकल जाएंगे सीधा हमारा डेस्टिनेशन की तरफ। तो चलिए, सो कैसे जगह का नज़ारा आप देख सकते कैसा है। सामने का व्यू कुछ ऐसा है और मेरा साइकिल यहाँ पे रुकाया है और ये भाई साहब चाय बना रहे हैं, चाय पी के यहाँ से। और एक सामने को आगे की तरफ, आगे से थोड़ा जाके दाहिने तरफ एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर। अब हमने वहाँ पे रहने के लिए सोचा है, आज रात को स्टे करेंगे, तो अभी यहाँ पे चाय पीते फिर निकल जाते हैं हम यहाँ से। तो गाइस, अभी हमने राजगंज में आके रुका है, ये भैया के साथ मुलाकात हुआ है और सामने को एक मंदिर है, ये मंदिर आप देख सकते हैं। ये मंदिर पर हमने रुके हैं आज रात को और स्टे करने के लिए हमने सोचा है रात को। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं मंदिर। तो गाइस, ये वाला सामने वाला मंदिर पे रुके हैं और किधर ठहरे हैं हम वो भी दिखाते हैं अंदर चल के। और ये रहा सामने का गेट मंदिर का, और सामने का आप देख सकते हैं महादेव जी ने बैठा हुआ है वहाँ पे। और ये महादेव का मंदिर है और पार्वती जी का भी मंदिर है। पार्वती जी का मंदिर है ना? हाँ जी, पार्वती। तो ये जगह देख सकते हैं आप कैसा है। और यहाँ पे एक बाबा रहता है वहाँ पे, एक पुराना वाला मंदिर है ये, उसका वो देख सकते हैं आप, चूड़ा देख सकते हैं आप। और ये नया वाला मंदिर है, ये कौन सा मंदिर है? ये श्री राम जी का मंदिर है। ये श्री राम जी का मंदिर है, जय श्री राम। और ये भोलेनाथ और पार्वती जी का मंदिर है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और वो अंदर रुकने का हमारा व्यवस्था हुआ है, वहाँ पर रुकेंगे हम आज रात को। तो चलिए अंदर। सो वैसे ये हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और ये भी सामने को मंदिर है, श्री राम जी का मंदिर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बैठे हुए हैं श्री राम जी, लक्ष्मण और सीता जी ने। और ये जगह आप देख सकते हैं कैसा है, मंदिर वगैरह बहुत खूबसूरत है। तो ये जगह आप चारों साइड देख सकते हैं आप कैसा है। और वो लगेज है मेरा लगेज वहाँ पे रखा हुआ है। तो गाइस, आप लोगों ने देखा है वीडियो को, अगर वीडियो देख के अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं अगले दिन सुबह एक नया वाला ब्लॉग के साथ, नया वाला दिन के साथ और एक नया जगह के साथ आप लोगों से मुलाकात होता है। तो आज के लिए इतना ही। आंटी जी ने मेरे को 50 रुपये भेंट दिए है कुछ खाना खाने के लिए। और ये बाबा जी का नाम क्या बताया भाई साहब? तो ये बाबा जी का नाम है श्री आदित्यनाथ, और यहाँ पर जो बाबा जी रहते हैं उनके गुरु के गुरु है ये। और इन्होंने बहुत सारे काम किया है अच्छे अच्छे, बहुत सारे लोगों को मदद भी किया है। तो ये भैया बताएंगे उनके बारे में कुछ। भैया कुछ बताइए आपको। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम बताइए भैया। जी मेरा शुभ नाम चंदन कुमार पांडे है। अच्छा। और अभी मैं भाई जी से मिला हूँ शंकर, और ये जा रहे हैं केदारनाथ। हाँ। तो मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, इनकी जर्नी अच्छी रहे, भगवान इन पर कृपा करें। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मंदिर पर रुके हैं भैया, तो बताएं श्री राम जी का मंदिर है, नीचे शिव जी का मंदिर है, बजरंगबली है, और यहाँ पे बाबा जो अभी प्रेजेंट में रहते हैं उनके गुरु के गुरु की प्रतिमा बनी हुई है। और जो बाबा बहुत सिद्धस्थ बाबा थे, तो इनकी ये जो बोल रहे थे वो हो जाता था, है ना। तो गुरु जी भी बताते हैं यहाँ पे रहते हैं बाबा। हाँ, तो आप देख सकते हैं फिर आगे उनका, उनकी प्रतिमा लगी हुई है, देख सकते हैं आप लोग, इनकी प्रतिमा लगा हुआ है। तो बाबा का हम प्रणाम जानते हैं बहुत बहुत। मेरे बारे में थोड़ा तो ये आंटी जी भी बहुत काम करती हैं यहाँ पे। हाँ, पूरा 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 इतना बड़ा मंदिर का साफ सफाई करते हैं और पोछा लगाते हैं पूरा दिन भर, दिन का दो टाइम। तो इनका काम जो है बहुत बढ़िया वाला काम है। तो इन्होंने आते हैं पूरा रूम को झाड़ू लगाते हैं और पोछा वीछा करते हैं। तो
तो साफ सफाई रखते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं आवंटी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको महादेव आशीर्वाद देगा, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आंटी जी, ठीक है ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, हाँ जरूर 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 आपका मनोकामना पूर्ण होगा। ठीक है।